दोस्तों मुंबई इंडियंस की हार के बाद हार्दिक पांड्या पर भड़क गए रोहित शर्मा। जी हां दोस्तों, दरअसल हैदराबाद की तरफ से मिले 278 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए मुंबई के बाकी सभी खिलाड़ियों ने अटैकिंग क्रिकेट खेला, लेकिन हार्दिक पांड्या ने एक तो आज बेहद ही खराब कप्तानी की और दूसरा जब वह बैटिंग करने आए और टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी तो हार्दिक पांड्या बेहद ही स्लो स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे और जब पांड्या ने गियर बदलने की कोशिश की तो वह 20 गेंदों में सिर्फ 24 रन बनाकर ही आउट हो गए, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस की टीम 31 रनों से यह मैच हार गई। अगर पांड्या भी थोड़ी तेज बल्लेबाजी करने की कोशिश करते तो शायद आज आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर भी चेस हो सकता था, क्योंकि दूसरी तरफ से टिम डेविड ने भी 22 गेंदों में ही 42 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस आखिर में 250 रनों के करीब पहुंच गई थी, लेकिन पांड्या का स्लो स्ट्राइक रेट ही मुंबई इंडियंस को ले डूबा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आज मुंबई इंडियंस की हार की वजह क्या रही, आप भी कमेंट जरूर करें।